हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास गुंजा ब्लॉगर में आप सबका स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आज लेकर के आई कुछ नई चीज़ें, यानी कि कुर्ती। तो कुर्ती मैं कहाँ से ली हूँ बताइए, कहाँ से ली हूँ? मीशो से ली हूँ, क्योंकि मीशो हमें देता है बहुत कम रेंज में प्रोडक्ट, यानी कपड़े, कुर्ती, ज्वेलरी, जूते, चप्पल, सब चीज़ देता है बहुत कम रेंज में। तो हमने वहीं से परचेस की है कुछ कुर्तियाँ। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसी लगी कुर्ती, मैं भी दिखाऊंगी आप सबको कुर्ती। और अगर आप लोग को मेरी कुर्ती पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कोट में जाके कोट सर्च कीजिएगा, जो मैं कोट दे दूँगी आप लोग को, और कोट सर्च कीजिएगा तो आप लोग को कुर्ती मिल जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी आप सबको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आप लोग को हेल्प पहुँचे और आप लोग ये सब जो मैंने ली है वो आप लोग भी लेकर के पहन सके और खुश रह सके और मस्त रह सके, झूमते रहें, नाचते रहें, गाते रहें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको कुर्ती दिखाती। तो ये मेरी है फर्स्ट कुर्ती जो मैंने मीशो से परचेस किया है ये, और ये बहुत ही अच्छी कुर्ती है, पहनने में बहुत सॉफ्ट है, अच्छी है, और कपड़ा इसका अच्छा है, हल्का सा जैसे लीजी बिजी सॉफ्ट कपड़ा लगता है, अच्छा लग रहा है। और इसका गोल्डन प्रिंट है, ये गोल्डन प्रिंट है इसका, जिसको शायद फॉइल प्रिंट बोलते हैं। और ये जो इसका बाजू है ये अम्ब्रेला स्लीव में है, ऊपर से ऐसे लिया हुआ है, अंदर से स्लीवलेस में है, ऐसे ही ये अंदर से स्लीवलेस में है, ऊपर से इसका जो ये दिया हुआ है यहाँ से जॉइंट करके कंधे पर से यहाँ तक है ये, इसे पूरा फ्लफी फ्लफी सब जैसे इसमें बना हुआ है इसी तरह है इसमें भी। तो और इसका नेक जो है राउंड में है ऐसे में, और यहाँ से चोली कट दिया हुआ है, जैसे यहाँ से अलग से जॉइंट बना हुआ है। तो ए लाइन कुर्ती है पूरी ये। तो ये कुर्ती बहुत ही सुंदर लग रही है, इतने कम रेंज में मैं खुद नहीं सोच सकती इतनी प्यारी कुर्ती मिलेगी। और पीछे से पूरा प्लेन है ये, पीछे से ऐसे ये है, इसका कलर मैरून कलर है। और मैंने इसको मीडियम साइज एल साइज का लिया है, और हल्का सा मुझे लूज हो रहा है, मुझे मीडियम आता है, बट मैंने मीशो से पहली बार परचेस की थी इसलिए मैंने साइज का डर था, कि लोगों को मैंने सुना था, इसलिए मैंने इसको एल साइज मंगवाया। तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपना फिटिंग कर लूँगी। तो ये रही मेरी फर्स्ट कुर्ती, और ये कुर्ती कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मैं आपको नेक्स्ट कुर्ती दिखाती हूँ, ये रही सेकंड कुर्ती मेरी। तो ये कुर्ती भी सेम वही कुर्ती है, सब कुछ वही है, मैंने मुझे कलर पसंद था और इसका डिज़ाइन बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने दो कलर की कुर्तियाँ मैं मंगवाई हूँ। आप सबको ये कुर्ती देखने में कैसी लग रही है, सेम उसी कपड़े से है कुर्ती, है उसी मटेरियल में है पूरा, जैसा ये जॉर्जेट है इसका, ये जो ऊपर का ये स्लीव्स बेल स्लीव बना हुआ है जॉर्जेट कपड़े में है, और है वो थोड़ा चेंज है, उसमें स्टार बने हुए हैं और इसमें ऐसे कुछ पत्ता जैसा बना हुआ है। तो ये भी लार्ज में ही है, आप लोगों को दिख रहा होगा एल साइज में ही है। तो मैंने इसको भी उसी के साथ में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, आने पर मैंने देखा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी प्यारी कुर्ती आएगी, तो मुझे बहुत पसंद आई ये कुर्ती, बहुत ही अच्छी लगी कुर्ती, और पहनने पर भी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा स्मार्ट लुक देता है, तो प्यारी लगती है कुर्ती। आप इसको थोड़ा सा कोई नॉर्मल से फंक्शन में पहन सकते हैं, नीचे स्कर्ट, वाइट स्कर्ट के नीचे बहुत अच्छी लगती है, और प्लाजो भी इसके नीचे बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके नीचे प्लाजो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी कोई चीज़ पैंट वगैरह नहीं उतना जस रही है, मैंने देखा है ट्राई करके। तो मैंने इसके नीचे स्कर्ट बहुत अच्छा वेयर किया हुआ है, मैंने इसके नीचे स्कर्ट ही वेयर किया हुआ है मैरून वाले के पास में, तो उसका उस पर स्कर्ट ही बहुत अच्छा लग रहा है वाइट कलर का।
और तो मुझे उम्मीद है कि इस पर यही सब अच्छा लगे, गोल्डन कलर का भी अच्छा लगेगा, अगर हम ये इस कलर का मैच करके लगाएंगे तो ये भी अच्छा लगेगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने परिवार और दोस्तों तक मेरी वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों से मुझे हेल्प मिल सके। और मैं वीडियो में बात कर रही हूँ मैं, तो अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उससे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, जिससे मैं अच्छे से बात कर सकूँ आप लोगों से, अच्छे से आप लोग को समझा सकूँ, क्योंकि मैं पहली बार ये वीडियो दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने मतलब कुछ बाय की हुई, मैं पहला वीडियो है मेरा, और कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझसे, अगर गलती हो तो उसको बताना, मैं उसको सुधार के अच्छे से बात करने की कोशिश करूँगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी आप लोग को। तो कोई भी चीज़ का जो है कि संकोच ना करके प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अपनी गलती का महसूस नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, और आप लोग को मैं बोलती रहूँगी और आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं होगा कि मैं गलती क्या करती हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरी मिस्टेक जितनी होंगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फिर से मैं तीसरी कुर्ती दिखाती हूँ। तो ये कुर्ती मैंने, कुर्ती क्या है इसको, कुर्ती अच्छा चाहे आप नाइटी भी बोल सकते हैं, नाइट गाउन भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी चाहे जिस तरह से आप पहन सकते हैं, इतनी प्यारी है ये, कैसे भी करके आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छी है ये, बहुत ही प्यारी है, बता नहीं सकती, इतनी कम रेंज में ड्रेस आपको नहीं मिलने वाली है। तो इतनी प्यारी कुर्ती, इतना अच्छा कलर, इतना सुंदर सा सॉफ्ट सा इसका कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है, ये भी है एकदम चिकना इसका कपड़ा है, बहुत ही चिकना कपड़ा है, सॉफ्ट सा, इसमें गर्मी नहीं लगेगी, पतला तो है बट इसमें मतलब कि गर्मी नहीं लगने वाली है, और इसमें रेड का नीचे का पूरा ज़मीन है और वाइट से फ्लावर्स बने हुए हैं, ऊपर से मेन फ्लावर जो है वाइट से बने हुए हैं, उसके बाद पीछे से थोड़ा सा शॉर्ट नेक है और आगे से फ्रंट से इसका वी नेक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे वी नेक है, और इसकी जो मेन खासियत है ये इसकी स्लीव्स में है, ऐसे बाजू पर कट में आता है, ये ऊपर से ये कट में आता है तो हल्का जैसे अम्ब्रेला जैसा थोड़ा फील लेता है, अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे उड़ते रहता है, सुंदर लगता है। तो और उसके बाद ये जो वेस्ट एरिया है, यहाँ पर यहाँ पर इसका जो डोरी दिया हुआ है, यहाँ से बांधने के लिए डोरी दिया हुआ है, कमर के पास से बांधने के लिए डोरी दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग को मतलब अगर आपको पहनना है कुर्ती तो ढीली पहनना तो ढीली पहन सकते हैं, अगर टाइट करना है तो आप इसको खींच के ऐसे टाइट करके बांध सकते हैं तो अच्छा लगेगा। उसके बाद इसमें और क्या एक खासियत है, ये यहाँ से ओपन है पूरा, तो ये ट्यूलिप जैसा है, ये ऊपर से चढ़ा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा खुलता है, चलने पर खुलता है, ऐसे नहीं खुला रहता है, तो आप लोग चाहें कि तो उसको टक भी कर सकते हैं नीचे तक, तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बस इसका यही है। और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मस्त कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, इतने कम रेंज में मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती कि इतना अच्छा कपड़ा आएगा, इतना अच्छा ड्रेस मटेरियल मिलेगा मुझे, बहुत ही प्यारा है ड्रेस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरी ये तीसरी एंड लास्ट कुर्ती थी, आपको कैसी लगी ये मेरी कुर्तियों का कलेक्शन, थ्री कुर्तियों का कलेक्शन कैसा लगा आप लोग को, अगर मेरी कुर्ती आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो कुर्ती बहुत ही सुंदर है, तीनों मेरी कुर्ती बहुत ही प्यारी हैं, और बहुत कुछ है जो अगले वीडियो में आने वाला है, बहुत कुछ मैं दिखाऊंगी आप सबको, जो कि बहुत टाइम निकाल कर मैं वीडियो शूट कर सकी हूँ। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को लाइक करना।
शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरा बात करने का तरीका कैसा लगा और मुझे जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया है वो दिखाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है ऐसा। ऐसे तो मैं वीडियो बहुत सारे बनाई हूँ बट ऐसा वीडियो मैंने फर्स्ट बार बनाया है, तो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो अगर मददगार लगा हो आप लोग को मेरा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अच्छे से बात कर पाई हूँ या नहीं, आप लोग को समझा पाई हूँ या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, अब नहीं बोलूँगी कि बार बार मैं सब्सक्राइब बोलूँ या फिर लाइक या कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मेरी कोई भी गलती हो, कोई मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मैं अपने वीडियो आने वाली वीडियो में अच्छे से बात कर सकूँ, उस गलती को मैं सुधार के अच्छे से मैं अब नहीं बोलूँगी, इसके लिए सॉरी, आगे कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, जो 4-5 बार बोल चुकी हूँ उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी। बाय बाय।